देखिए, सुनिए और जी ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको नमस्कार। आइए और इस पृथ्वी में शुरू से रहने वाले मनुष्य के बारे में जानिएगा। उन्होंने हमें एक ही सत्य परमेश्वर के बारे में कई सारी बातें सिखा सकते हैं। आदम और जानवर। शुरुआत में इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर ही था। परमेश्वर सिर्फ एक ही है, वो आत्मा है। हम सब उन्हें देख नहीं सकते। परमेश्वर के पास हर एक शक्ति होती है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें हर बात पता होती है और वो सभी जगह होते हैं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में जो सभी चीजें हैं बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने धरती के मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया। वह मनुष्य परमेश्वर को पहचान सके, इसीलिए उसे एक आत्मा दी गई थी। उसके विचार और इच्छाएं परमेश्वर के जैसे ही थे। परमेश्वर ने उसे आदम कहकर बुलाया। आदम ने परमेश्वर के बनाए हुए हर एक प्राणी को नाम दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्ग दूत भी बनाया। परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज बहुत ही सुंदर थी। परमेश्वर ने आदम को एक सुंदर से बगीचे में रखा और आदम ने उस बगीचे का अच्छी तरीके से देखभाल किया। हर जीवित प्राणी का एक एक जोड़ी था, पर मनुष्य के लिए मिलने वाला कोई भी जोड़ी नहीं था। इसी कारण से परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में सुला दिया। तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकालकर एक स्त्री को बनाया। तब परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के पास ले आए और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते नहीं थे। वो परमेश्वर के साथ एक दोस्त के तरह ही बातें करते थे। उस अच्छी जगह पर कोई भी दुख, मृत्यु और बुराइयां नहीं थी। परमेश्वर ने आदम को कहा, तुम बगीचे के सभी पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ अच्छी और बुरी चीजों का ज्ञान देता हो वो फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा तो तू अवश्य ही मर जाएगा। शैतान स्वर्ग का एक स्वर्ग दूत था, पर वो परमेश्वर के खिलाफ चल पड़ा। वो परमेश्वर का दुश्मन बना। शैतान एक सुंदर सांप के रूप में उस स्त्री के पास आया। उसने स्त्री को सभी झूठी बातें बताई। शैतान ने उस स्त्री को कहा, उस पेड़ का फल खाकर तुम कभी भी नहीं मर सकती। उस सांप ने स्त्री को जिस पेड़ का फल परमेश्वर ने खाने से मना किया था वो फल खाने के लिए बहकाया। स्त्री ने उस फल को खाया और उसमें से कुछ आदम को भी खाने के लिए दिया। उन्होंने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया और जैसे परमेश्वर ने कहा उसी तरह उनकी आत्मा की मृत्यु हो गई। उन्होंने एक दूसरे को नंगा देखकर शर्मा गए और परमेश्वर उन्हें ना देखे इसीलिए वो छुप रहे थे। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया। परमेश्वर ने आदम को कहा, तुमने उस पेड़ के फल को खाया, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हुई है। इस धरती से अन्न उगाने के लिए तुम्हें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तू जीवन भर कड़ा परिश्रम कर जो अन्न उगाएगा वही खाएगा। परमेश्वर ने स्त्री को कहा, जब तू बच्चे को जन्म देगी उस वक्त तुझे बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ेगी और बहुत ही दर्द से तुम उस बालक को जन्म दोगी। और सांप को परमेश्वर ने कहा, तुमने जो किया उस कारण से तुम श्रापित हो जाओगे, तू अब से पेट के बल से चला करोगी। सांप मनुष्य का दुश्मन बन गया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि हर जीवित मनुष्य की आदि माता वही है। हवा ने बच्चों को जन्म दिया और वही हमारे पूर्वज हैं। हम आज भी परमेश्वर से अलग हैं और हमने भी आदम की तरह परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया है। पर परमेश्वर ने एक मनुष्य को इस धरती पर भेजने का वचन दिया, जो शैतान से जीतकर हम सबको परमेश्वर के करीब ले आए। वो मनुष्य प्रभु यीशु ख्रीस्ट है।